हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यह है डिजाइन थिंकिंग की इंपॉर्टेंस या एडवांटेज। क्वेश्चन आपसे सिंपल आएगा, कोई भी एक सेक्टर दे देगा, एजुकेशन दे देगा, रिटेल दे देगा, हेल्थ केयर दे देगा, कोई भी एक सेक्टर दे देगा उस सेक्टर में। वैसे तो उस सेक्टर में अलग आइडियोलॉजी का क्वेश्चन बनता भी है, आगे आने वाला है ना। उस सेक्टर के अंदर बात अलग होगी, लेकिन आपको डिज़ाइन थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब सेक्टर के अंदर कॉमन रहने वाली है। तो आप एक की याद कर लो, यदि पीछे कुछ रिटेल आ गया, पीछे कोई भी सेक्टर का नाम आ गया, लगभग 95% जो एडवांटेजेस है वो कॉमन है, इसलिए अपन ओवरलैप कर सकते हैं। क्या एडवांटेजेस डिज़ाइन थिंकिंग बनाने की, मतलब कि जो लेआउट हमने बनाया, जब प्रोडक्ट का लेआउट बनाया, सर्विस का लेआउट बनाया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कि यूज़र सेंट्रिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि जो उसको यूज़ करने वाला है, जो उसका कस्टमर है, उसके सेंट्रिक हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, है ना। सेकेंड क्या होता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हमेशा अपडेट करते रहते हैं, नया वैल्यू एड ऑन करते रहते हैं और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है। और थर्ड क्या होता है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की अप्रोच है, यानी कि ये डिज़ाइन थिंकिंग ऐसा नहीं है कि आज बना दिया तो कल कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर उसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी है, कौन सी थ्योरी है, सॉरी, काइजन, आपने पढ़ रखी होगी। ये काइजन ये क्या कहती है, इंप्रूवमेंट एंड विद द कॉमा। इसी तरीके से हमारी जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो किससे, कॉमा से एंड होती है, यानी कि हमेशा वो डिज़ाइन अपडेट होता ही रहता है। जैसे जो मोबाइल आ रहा है, क्या इससे बढ़िया मोबाइल नहीं आ रहा है, आ रहा है, फिर वही कंपनी उससे और बढ़िया मोबाइल लॉन्च करती है, वही कंपनी उससे और बढ़िया मोबाइल लॉन्च करती है, तो अपडेट करती रहती है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी डिज़ाइन में। तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की है। हम डिज़ाइन अच्छे से बना लेंगे तो क्या होगा, रिस्क रिडक्शन होगा, बेटर चांसेस होंगे प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचने के, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ने के, उसके हायर सेल्स होने के, हायर अच्छी सर्विसेज मिलने के। क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन यानी कि जो डिज़ाइन हम रिटेल सेक्टर में बना रहे हैं, हो सकता है ऑटोमोबाइल में काम आए, ऑटोमोबाइल में बना रहे हैं वो दूसरे सेक्टर में काम आए, और एक डिपार्टमेंट में बना रहे हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम आए, और एक दूसरे से लिंक होती है। लाइक कि आप अगर किसी कंपनी का लेआउट देखोगे, किसी कंपनी का लेआउट देखोगे, तो आप ये चेक करोगे कि स्टोर डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट साथ में है, स्टोर यहाँ पर है, पैकेजिंग यहाँ पर है ना। प्रोडक्शन मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर सारी प्रोडक्शन की, यहाँ पर चेकिंग की, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, और यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, यानी प्रोडक्ट यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से एग्जिट होता है। तो ये पूरा का पूरा एक सारा डिपार्टमेंट एक क्रम में बनाया गया, यू टाइप की इंडस्ट्री बनाई गई, डिज़ाइन बनाई गई। तो ये क्या हुआ, फिक्स्ड काइंड ऑफ लेआउट हुआ, और इसमें हम आगे जाएंगे तो सारा डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक है, यानी कि डिज़ाइन थिंकिंग में जो प्रोसेस होती है वो क्रॉस डिसिप्लिनरी होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। अगर एक के डिज़ाइन गलत हो गई तो दूसरे के भी गलत होना स्वाभाविक बात है। और यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अच्छा करती है, रिस्क को कम करती है, बजटेड फ्रेंडली होती है, सक्सेशन प्लानिंग देती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। ये सारे पॉइंट्स जो ओवरलैप करते हैं मार्केटिंग के, वो इसके ऊपर भी लिखने हैं। इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी हो गई हमको चेंज की, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सोशल इम्पैक्ट इसमें आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइंस ऐसी होती है जो सोशली इम्पैक्ट करती हैं, नॉर्मली डिज़ाइंस ऐसी नहीं बनाई जाती जो सोशली इम्पैक्ट करें, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट की डिज़ाइन इस तरीके से बनाई जाती है जो फ्रूटफुलनेस बताए, जो कोई कॉज के लिए हो, जो रिसाइकल रीयूज को प्रमोट करती हो, एनवायरमेंटल कोई इशू हो या अदर कोई इशूज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती है। बट यूजुअली सोशल इम्पैक्ट का क्वेश्चन लेस लाइकली टू प्रमोट है, मतलब कि ये हर सेक्टर में फिट नहीं होता। बाकी अगर आपको पूछ लिया जाए कि डिज़ाइन थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको सिंपल से लिख देना है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बजटेड कंट्रोल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाती है, यूज़र इंटरेक्शन बढ़ाती है, यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस करती है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल बनाती है, रिस्क को रिड्यूस करती है, बेटर प्लानिंग में हेल्प करती है, बेटर कंट्रोल में हेल्प करती है, बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। यानी डिज़ाइन थिंकिंग ओवरऑल पूरी, अच्छा लेआउट बना होगा, यदि दुकान अच्छी व्यवस्थित होगी, सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी होंगी, तो क्या फ़ायदा होगा, वही सारी चीज़ें अपन को लिखनी है। आई होप ये सारे क्वेश्चन पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। जय हिंद।